आपके अपने YouTube चैनल माधव मैया लेक्स आर। मैं हूं माधव मैया। अपने साइंस के अंदर बात चल रही थी रक्त के बारे में, जिनके दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अब तीसरे के अंदर बात करें। कल अपने पढ़ा था रुधिर वर्गों के बारे में। रुधिर वर्गों के बारे में आपने अपने अध्ययन किया था रुधिर। आज पढ़ेंगे अपन रुधिर वर्गों का आनुवंशिक महत्व क्या है। रुधिर वर्गों का आनुवंशिक महत्व क्या है? तो मानव के अंदर, मानव में जो रुधिर वर्ग का नियंत्रण होता है वो एक जीन के तीन युग्म विकल्पों द्वारा होता है। यानी मैं कहूं मानव में जो रुधिर वर्ग है, रुधिर वर्गों का नियंत्रण एक जीन के तीन युग्म या तीन विकल्पी कह दें, विकल्पी विकल्पियों के द्वारा होता है। वो तो तीन है अपने पास युग्म विकल्पी, वो कौन कौन से हैं? एक तो आई ओ, आई बी और आई ए, ये तीन इसमें क्या है युग्म विकल्पी आते हैं। उन तीन युग्म विकल्पियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन से हैं? एक तो है आई ए, आई बी और आई ओ, तीन प्रकार के युग्म विकल्पी होते हैं। इन युग्म विकल्पी के अब मनुष्य में युग्म विकल्पी के उपस्थिति की, मनुष्य में या मानव में युग्म विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर छह प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। वो छह प्रकार से कौन कौन से, मैं एक सारणी बना के आपको समझाता हूं। कल अपने रुधिर वर्ग पढ़ा था, रुधिर वर्ग कितने थे? चार थे। तो युग्म विकल्पी रुधिर वर्ग के आधार पर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। यानी रुधिर वर्ग ए बी, ए बी और ए कौन सा है अपने पास? ओ। अब इसके अंदर कौन कौन से जीन प्रारूप पाए जाते हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर बात करें पुरुष के अंदर कौन से होते हैं और महिला के अंदर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बात करें। अब रुधिर वर्ग की बात करते हैं अपन। रुधिर वर्ग ए के अंदर यहां जीन पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? आई ए, आई ए। महिलाओं के अंदर होते हैं, वो होते हैं आई ए, आई जीरो होते हैं। इसी प्रकार अपन बात करते हैं बी के लिए, तो कौन कौन से होते हैं? तो बी के अंदर अपन बात करेंगे, तो बी के अंदर होते हैं वो कौन कौन से हैं, इधर देखते हैं आई बी, आई बी और यहां हो जाएगा आई बी और आई ओ हो जाएगा। अगला अपन बात करते हैं ए बी के अंदर, पुरुष और महिलाओं के अंदर सेम होते हैं, वो होते हैं आई ए और आई बी, और ओ के अंदर भी क्या होते हैं? रुधिर वर्ग ओ के लिए आई ओ और आई ओ, ये होते हैं। मैंने आपको बताया छह प्रकार के जीन प्ररूप होते हैं। तो छह कौन कौन से? एक तो ये, एक दो तीन चार पांच और छह प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीन प्ररूप पाए जाते हैं। इनका उपयोग कहाँ रहता है? तो इनका उपयोग रहता है किसी पैतृकता संबंधित विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए। मान लो एक शिशु है जिस पर दो दंपति अधिकार जता रही है, तो उसको विवाद को दूर करने में या सफलता पूर्वक अपन क्या करते हैं रक्तदान करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, या नवजात शिशु में शिशु है उसके अंदर रुधिर लयनता को याद करने के लिए भी किया जाता है, या आनुवंशिक रोगों को निर्धारण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में अपन पढ़े।
जैसे पहले मैं एक उदाहरण लेता हूं, इसका अनुवांशिक या पैतृकता संबंधित जांच विवादों को दूर करने के लिए किस प्रकार होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे एक उदाहरण के रूप में आ जाए, एक मान लो कोई शिशु है, ये क्या है, शिशु है जिसका रुधिर वर्ग है, वो क्या है प्यारे दोस्तों, मान लो एक शिशु है जिसका रुधिर वर्ग मान लेते हैं अपने पास क्या है, बी है। इस पर दो दंपति अपना अधिकार जता रही है, एक बोल रही है शिशु मेरा है, दूसरी बोल रही है मेरा है। तो इस विवाद को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, उस दंपतियों का रक्त यानी रुधिर वर्ग ज्ञात किया जाएगा। जैसे मैं यहां ले लेता हूं, जो प्रथम दंपति है, प्रथम दंपति का, और यहां ले लेते हैं दूसरी का। अब दूसरी और प्रथम दंपति का अपन रक्त जांच करते हैं। तो प्रथम दंपति के अंदर अपन बात करते हैं पुरुष और महिला, इनका रक्त जांच करते हैं। तो रक्त जांच करने पर पता चला कि जो उसमें प्रथम दंपति के अंदर पुरुष है उसका रुधिर वर्ग मान लेते हैं, या मान लेते हैं इसका रुधिर वर्ग आ गया अपने पास ओ और इसका आ गया ए बी। इसी प्रकार दूसरे पुरुष, दूसरी दंपति का जो पुरुष है और महिला है, इसका भी अपन वर्ग जांच करते हैं, रक्त समूह की जांच करते हैं, तो मिल जाता है, मान लो इसके अंदर भी मिल गया अपने पास कौन सा, मान लेते हैं पुरुष का आ गया ए और इसका आ गया बी। अब अपन को बताना है कि ये शिशु है वो कौन सी दंपति का, यानी प्रश्न यू आता है कि एक शिशु का रुधिर वर्ग बी है जिस पर दो दंपति अधिकार जमा रही है, प्रथम दंपति के पुरुष का रुधिर वर्ग ओ तथा महिला का ए बी है, तथा दूसरी दंपति के अंदर पुरुष का ए तथा महिला का बी है, तो वास्तव में ये शिशु किस दंपति का है, अपन को ये जांच लगानी है। तो आप इसका संकरण करवाओ, या सीधी सी बात है आप ऐसे करो, सेकर बोर्ड बना लो, सिंपल सी बात है, ये सेकर बोर्ड बना लो, इसके अंदर एक तरफ पुरुष को रख दो और एक तरफ महिला। उससे पहले आप क्या करो, जीन ज्ञात कर लो, ओ के लिए रुधिर वर्ग ओ के लिए जीन प्ररूप क्या है, आई ओ आई ओ, तो यहां लिख लेना आई ओ आई ओ, और महिला के लिए ए बी के लिए महिला पुरुष दोनों का समान है आई ए आई बी, तो इसका जीन प्ररूप हो जाएगा आई ए आई बी। तो यहां पर ये रख लो आई ओ आई ओ, और इधर पुरुष हो गया, इधर महिला का रख लो, महिला का क्या है आई ए आई बी, क्रॉस कराओ आई ए और आई जीरो का क्या हो जाएगा, या ओ का ये, फिर आई ओ आई बी, तो आई बी आई ओ, इसी प्रकार वापिस कराएंगे आई ए आई ओ और वापिस आई बी और आई ओ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये रुधिर वर्ग प्राप्त होगा, तो इस दंपति से जो शिशु होगा, इस शिशु का संभवत रुधिर वर्ग होगा वो क्या होगा, आप निकाल सकते हो रुधिर वर्ग क्या होगा। पहला देखो, यहां पर पहला है आई ए आई ओ, आई ए आई ओ कौन सा रुधिर वर्ग है, ए, ये ए हो सकता है। दूसरा आई बी आई ओ, आई बी आई ओ कौन सा हो सकता है, बी हो सकता है। फिर आई ए आई ओ सेम है, आई बी आई ओ इसके सेम है, ये हो गए। अब दूसरी दंपति के अंदर अपन क्या करते हैं, सेकर बोर्ड बनाते हैं, दूसरी दंपति का सेकर बोर्ड बनाते हैं। तो दूसरी दंपति के इधर देखो, यहां पर भी इसके जीन लिख लो, ए के लिए कौन से जीन है, ए के लिए जीन कौन से हैं, पुरुष हैं, पुरुष के लिए कौन से होते हैं आई ए आई ए, महिला बी है, महिला के लिए प्यारे दोस्तों दो जीन है, एक तो आई बी आई बी, आई बी आई बी, एक अपने पास है वो कौन सा आई बी आई ओ, ये महिलाओं के लिए, तो ध्यान रखना, तो महिलाओं के लिए कौन सा है बी रुधिर वर्ग में, ये पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए आई बी आई ओ, तो इधर महिला लिख दो इधर पुरुष लिख दो, आई ए आई ए यहाँ कौन आ जाएगा आई बी और आई जीरो, क्रॉस करवाओ आई ए आई बी, इसका गुणांक से करवाओ आई ए आई जीरो ओ, फिर इसका करवाओ आई ए आई बी, इसका करवाओ तो क्या हो जाएगा आई ए आई ओ। अब देखो इसका रुधिर वर्ग ज्ञात करो, इस दंपति का रुधिर वर्ग क्या आ सकता है, रुधिर वर्ग संभवत रुधिर वर्ग क्या आ सकता है आई ए आई बी,
आई ए आई बी कौन सा रुधिर वर्ग है? ए बी। उसके बाद ये आई ए आई जीरो, आई ए आई ओ कह सकते हो, तो कौन सा रुधिर वर्ग? ए। ये सेम है, ये सेम है, तो कौन सा? ए बी या ए। यानी ये दंपति हैं जो अपने पास दूसरी, इससे जो भी संतान पैदा होगी उसका रुधिर वर्ग आएगा अपने पास वो कितना आएगा, या तो यानी संतान प्राप्त होगी उस संतान का रुधिर वर्ग होगा वो क्या होगा, या तो होगा उसका क्या ए बी या होगा ए। इस दंपति का रुधिर वर्ग होगा वो क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा। तो कहने का मतलब शिशु का रुधिर वर्ग क्या है? बी है। इसका मतलब ये शिशु वास्तव में कौन सी दंपति का है? प्रथम दंपति का, क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाली संतान का बी हो सकता है, लेकिन दूसरी दंपति की जो भी संतान पैदा होती है उसका कभी भी बी रुधिर वर्ग नहीं हो सकता। इसका मतलब दूसरी दंपति थी वो क्या थी? सरासर झूठ थी। वास्तव में शिशु है कौन सी दंपति का है? प्रथम दंपति का है। इस प्रकार के विवादों को हल करने के लिए भी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मान लो दो एक लड़का और लड़की शादी करते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा, इसकी जांच करने के लिए भी इसका रक्त रुधिर वर्ग का आनुवंशिकता का उपयोग में किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझा देता हूं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, एक उदाहरण लेते हैं। मान लो अपने पास क्या है, मान लो एक माना, या मान लो कोई एक महिला है, रुधिर वर्ग मान लेते हैं कोई भी, जैसे रुधिर वर्ग ए बी वाली महिला, वाली महिला उसी उसी मान लो उसी रुधिर वर्ग वाले पुरुष से शादी करती है तो उनकी उनकी होने वाली संतानों के रुधिर वर्ग होगा। अब देख लो एक महिला है जिसका रुधिर वर्ग ए बी है और वो एक ऐसे पुरुष से शादी करती है जिनका भी रुधिर वर्ग ए बी है, और तो उनसे होने वाले जो बच्चे होंगे संतान होगी उनका रुधिर वर्ग कौन सा होगा अपन पता लगा सकते हैं। तो वही प्रक्रिया अपनानी है, पुरुष का रुधिर वर्ग और महिला का रुधिर वर्ग। पुरुष का रुधिर वर्ग ए बी है और महिला का भी क्या है? ए बी है। जीन लिखो प्यारे दोस्तों, ए बी का पुरुष और महिला के अंदर जीन एक ही है, कौन कौन से है? आई ए और आई बी। ए बी के लिए इसके अंदर भी कितना है? आई ए और आई बी। अब क्रॉस कराने से अच्छा है आप क्या बनाओ, सेकर बोर्ड बना दो, सिंपल सी बात है। या महिला का लिख लो, पुरुष का लिख लो, या महिला, किसी का भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई ए आई बी इधर लिख लो, आई ए और आई बी क्रॉस कराओ, आई ए तो क्या हो जाएगा? आई ए और आई ए, आई ए आई बी, आई ए आई बी, फिर आई ए और आई बी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? आई बी आई बी। अब रुधिर वर्ग को आप जांच करो, कौन सा रुधिर वर्ग हो सकता है इनसे, तो रुधिर वर्ग किसका रुधिर वर्ग? शिशु का। अब देखो यहाँ पर आई ए आई ए, आई ए आई ए कौन सा रुधिर वर्ग है? ए। दूसरा है आई ए आई बी, आई ए आई बी कौन सा है? ए बी। फिर कौन सा आता है? आई ए आई बी, आई बी आई बी, आई बी आई बी कौन सा है? बी। यानी इस दंपति से जो भी संतान प्राप्त होगी उन संतान का रुधिर वर्ग होगा हमेशा या तो ए होगा या ए बी होगा या बी होगा। ओ संतान यानी ओ रुधिर वर्ग वाली संतान कभी भी इस दंपति से पैदा नहीं होगी। तो अपन इस आनुवंशिकता के आधार पर यानी रक्त की जो आनुवंशिक महत्व है उसके आधार पर इनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है और इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, सफलतापूर्वक रक्तदान भी कर सकते हैं।
अब देखो प्यारे दोस्तों, रक्तदान क्या होता है? प्रश्न आया था कई बार, रक्तदान सर्वप्रथम कब किया गया? रक्तदान के बारे में पढ़ेंगे। तो जरा देखो, रक्तदान, अब बात करूं रक्तदान का मतलब होता है यानी रक्त का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या उसी व्यक्ति को देना रक्तदान कहलाता है। रक्तदान अपन बात करें सर्वप्रथम कब किया गया, तो एक सर्वप्रथम किया गया था ये 15 जून 1667 के अंदर, जो फ्रांस के अंदर किया गया था, जिसका नाम था डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट पेनिस। इसने क्या किया था, रक्त का आदान प्रदान किया गया था। इसने रक्त क्या किया था, एक 15 वर्ष के बालक को दिया गया था, सर्वप्रथम रक्त दिया गया था। अब रक्त के अंदर क्या होता है, रक्तदान के अंदर जो रक्त रक्त देने वाले व्यक्ति को अपन कहते हैं दाता, और रक्त ग्रहण करने वाले व्यक्ति को अपन कहते हैं ग्राही। एक ध्यान रखना दोस्तों, जो रक्त देने वाले व्यक्ति है उसकी आयु 21 से 90 के मध्य होनी चाहिए, प्लस इसका वजन होना चाहिए 45 से ऊपर, और किसी प्रकार की कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे हीमोफीलिया होता है, हेपेटाइटिस वगैरह होता है, हेपेटाइटिस या इसके अलावा विशेष प्रकार की बीमारी है, जैसे एड्स है, इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। यदि दान करने वाले में दाता के अंदर ये रोग है तो हो किसे ग्रही उसके अंदर भी ये रोग चले जाते हैं, तो विशेष करके इसकी जांच होनी चाहिए, ये ग्रही होता है रक्त लेने वाले को। इसके बाद जो अपन बात करते हैं रक्त रक्तदान करते हैं, तो अपन बात करें रक्त स्रोत के आधार पर, ऐसे बात करें रक्त स्रोत के आधार पर रक्तदान दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन सा है, एक आता है समजीवी आदान या रक्तदान कह सकते हैं, दूसरा आता है समजात आदान। ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, समजीवी का मतलब होता है खुद का संग्रहित रक्त, खुद का संग्रहित रक्त पुनः उपयोग में लेना क्या कहलाता है, समजीवी। नाम से पता चल रहा है समजीवी, यानी उसी के रक्त का पुनः उपयोग करना, यदि यानी किसी व्यक्ति ने रक्त दान किया तो वो रक्त बैंक में रहता है, और जैसे ही इसके वापिस जरूरत पड़ती है तो उसी जो दान किया वो सेम रक्त वापिस ग्रहण करता है, तो समजीवी नाम से समान जीवी यानी उसी जीव को पुनः उसी व्यक्ति या उसी जीव का रक्त पुनः उसी जीव में दिया जाता है समजीवी। समजात का मतलब होता है कि समान जात वाले दो जीवों के मध्य रक्त का दान प्रदान करना समजात कहलाता है, और समजीवी यानी ये रक्त वापिस खुद कैसे लेगा, यानी खुद लेने के लिए इसने रक्त क्या किया, रक्त बैंक के अंदर दे दिया। एक रक्त बैंक होती है जिसमें अपन रक्त दान करते हैं तो वहां सुरक्षित रहता है। ये रक्त बैंक होती है उसके अंदर क्या रहता है, 30 से 42 दिन तक रक्त अपना सुरक्षित रहता है, या रक्त का तापमान होता है -4 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य होता है, और प्लस इन जो रक्त को सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम है नाइट्रोजन वे सोडियम साइट्रेस, सही पदार्थ मिलाया जाता है नाइट्रोजन वे सोडियम साइट्रेट पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे रक्त क्या है 42 दिनों तक सुरक्षित रहता है और पुनः उस व्यक्ति को दिया जाता है या दूसरे व्यक्तियों को दे दिया जाता है। इस प्रकार से रक्त का ये अध्ययन अपना रहता है। एक प्रश्न आया था कि जो रक्त है अपने शरीर में संपूर्ण चक्र लगाने में कितने दिन लेता है, सॉरी कितना समय लेता है, वो एक प्रश्न आया था, यानी एक चक्र पूरा रुधिर है वो अपने शरीर में एक चक्र पूरा करने में कितना समय लेता है, तो वो कितना है 23 सेकंड का
समय लेता है, 23 सेकंड में रक्त का पूर्ण संकर हो जाता है, एक चक्र पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आया था इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगला वीडियो अपन, हमने रक्त के अंदर एक टॉपिक बाकी रहा हृदय, तो अगला वीडियो अपने हृदय के लिए कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।